क्या हाल है भाई सबके। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, छोटी छोटी बातें करते हैं, सर्कल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्लियर? चलो देखो, ये सर्कल है। ठीक है, सभी को पता होगा, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी टर्म्स बता देता हूँ जो कि तुम्हें पता भी होंगे पहले से, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, और सेंटर से जो सर्कमफेरेंस को टच करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये सर्कल है, ये रेडियस है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की मेजरमेंट अगर करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? सर्कमफेरेंस बोल रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आर्क क्या होता है। क्या चीज़? आर्क। आर्क ए पार्ट ऑफ सर्कल, जैसे पूरा सर्कल है। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा अगर मैं बोलूँ तो ये क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा आर्क। ठीक है, अगर आर्क ये है तो ये भी देखा जाए तो ये भी आर्क है। हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो ये जो आर्क होगी इसको हम बोल रहे होंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और इसको क्या बोल रहे होंगे हम? मेजर आर्क। ठीक है, अच्छा एक चीज बात बताओ, अगर मैं इस आर्क को यहाँ से मानूँ बिल्कुल मिडिल से, तो ये आर्क क्या करेगी? इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। और इसको हम क्या बोल रहे होंगे? अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा सेमी सर्कल। क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। ठीक है, थोड़ी सी कॉर्ड पे बात कर लेते हैं। कॉर्ड क्या होता है सबको पता होगा, हालांकि कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन, मतलब ये एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या कहलाएगा? ये क्या होगा? कॉर्ड होगा। ठीक है, इसको कॉर्ड कहते हैं। अच्छा, कॉर्ड क्या काम कर रही होती है? सर्कल को सेगमेंट में बांट देती है। एक सेगमेंट ये होगा, एक सेगमेंट ये होगा। ठीक है, ये क्या के क्या सेगमेंट होगा? ये होगा माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। ठीक है, और उसको वाले ऊपर वाले क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा अगर बात बताओ, अगर कॉर्ड कॉर्ड बिल्कुल मिडिल से निकले, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से निकले, ये सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉर्ड निकाल देता हूँ इसको क्या कहेंगे? ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसे क्या कह रहे होते हैं हम? उसे डायमीटर कह रहे होते हैं। उसे क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, एक चीज़ डायमीटर के बारे में सबको पता होगी कि डायमीटर क्या होता है? टू टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। हम ये लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू 2R। क्लीन है? यहाँ तक ये सारी चीज़ें पता होंगी तुमको। और अगर मैं बोलूँ, जैसे ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये अब तो आप इसको माइनर और मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बराबर बराबर बांट रहा है, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन, और इसको भी बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। इतनी बात क्लियर है? सेक्टर के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। सेगमेंट समझ में आया? देखो, एक होता है सेगमेंट जो किससे बनना होता है, जो कॉर्ड डिफाइन करती है सेगमेंट को। एक होता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर को डिफाइन करती है आर्क। ये एक आर्क है। अगर मैं सेंटर से इस आर्क के दोनों पॉइंट्स को टच कर देता हूँ तो ये वाला हिस्सा, ये इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोल रहे होंगे सेगमेंट। और क्योंकि ये भी सेगमेंट है और ऊपर वाला भी सेगमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा माइनर सेगमेंट को, सॉरी माइनर सेक्टर। ये क्या होता है? सेक्टर। और ये छोटा वाला सेक्टर होगा तो उसको बोलेंगे क्या? माइनर सेक्टर। ठीक है, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें पहले से पता होंगी। अब थोड़े से क्लास 9th के मैं थ्योरम्स रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये है ज्योमेट्री और बिना थ्योरम्स के कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें। ठीक है, तो थ्योरम्स रिवाइज करते हैं एक बार। देखना, एक थ्योरम है, ये मैं क्या कराने लग रहा हूँ, 9th क्लास के कुछ थ्योरम रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी सबसे ज़्यादा 9th में ही है, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छे से कर पाएंगे हम क्वेश्चंस को। देखो, एक थ्योरम है, क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर मैं बात करूँ इनकी, ये दो कॉर्ड हैं, एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, और ये दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल हैं। तो हमेशा याद रखना, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये जो यहाँ सेंटर पे एंगल बनाएंगी ये क्या होंगे? ये दो एंगल जो होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये भी इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी ठीक है। उल्टा क्या है? वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा। ठीक है, देखो, अगर ये दो एंगल कोई भी दो कॉर्ड हैं और सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, तो दोनों कॉर्ड क्या होंगी? डेफिनेटली इक्वल होंगी। ठीक है, इसमें बात करते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई दो कॉर्ड हैं, देखो, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ठीक है, और बोल रहा है इक्वल कॉर्ड, दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल हैं। तो हमेशा याद रखना, ये सेंटर से क्या होंगी? सेम डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है, सेंटर से क्या होंगी? ये जितनी दूर ये होगी सेंटर से, उतनी ही दूर ये होगी सेंटर पे। समझ में आया क्या? अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगी, जितना ये होगी उतना ही ये होगी। कब? कब? जब कॉर्ड इक्वल होंगी। और इसका भी वाइस वर्सा ठीक है, इसका भी उल्टा ठीक है। उल्टा क्या होगा? अगर दो कॉर्ड सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं,
सेंटर से सेम डिस्टेंस पर अगर कोई दो कॉर्ड है तो इसका मतलब है दोनों कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो ये कोई कॉर्ड है, ब्लू से बनाते हैं इसको, देखो ये कॉर्ड है ठीक है। अगर सेंटर से हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, सेंटर से हमने इस पर क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो ध्यान रखना ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब इतना हिस्सा जितना होगा उतना ही ये होगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इसका उल्टा भी ठीक है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर, अगर किसी कॉर्ड का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमेशा कहाँ से, सेंटर से पास होगा। समझ में आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखो थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्किल, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अब देखो एक बार, अब समझ में आएगा कि एक आर्क से, ये एक आर्क मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक आर्क है, ये एक एंगल बना रही है सेंटर पे, ये सेंटर है ना, एक एंगल यहाँ बना रही है। इसके अलावा यही सेम आर्क एक एंगल बना रही है बचे हुए सर्किल पे। एक तो ये आर्क है, इसके बचा हुआ ये सर्किल है, यहाँ पे कहीं भी बना है, ठीक है। अगर तो ये क्या होता है, जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो उसका दुगना होता है। मैं मान लेता हूँ अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, ये 2x होगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यहीं बनाए, हो सकता है ये इधर भी बना दे। देख समझना, मैंने इसको यहाँ बना दिया, ये देखो सेम आर्क ने सेंटर पे 2x बनाया तो सेम आर्क यहाँ पे कितना बनाएगी, x बनाएगी। समझ पाए चीज़ों को। अच्छा एक बात बताना मेरे को, समझना, ये सेंटर है ठीक है और ये आर्क थी। अब मैं क्या करने लगा, ये सेंटर है ठीक है, इस बार आर्क जो मैं ले रहा हूँ वो इतनी बड़ी ले रहा हूँ, यहाँ से ले पूरी, ये सेमी सर्किल वाली आर्क ठीक है। तो ये आर्क बनाएगी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, तो इतना एंगल बना रही होगी, हाँ या ना। और ऊपर ये कितना बनाएगी, इसका हाफ बनाएगी। कोई मुझे बता सकता है कि ये कितना एंगल है, ये कितना है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 90, हाँ या ना, बोलो। इससे क्या समझ में आया, देखो अगर कोई डायमीटर है या फिर आप ऐसे कर लो, सेमी सर्किल के अंदर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ये बात बिल्कुल क्लियर है, और जरूरी नहीं इधर उधर कहीं भी बना सकते हो आप इसको। ये भी कितना होगा 90। क्या आप समझ पाए चीज़ों को या नहीं। ये सेम चीज़ है, सेंटर, सेंटर से ये आर्क थी ठीक है, ये आर्क सेंटर पे 2x बना रही है तो बाकी रिमेनिंग पार्ट पे x बनाएगी। अब ये वाली आर्क सेंटर पे 180 बना रही है तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनाएगी 90। तो इसको भी थ्योरम की तरह याद कर लेना एक बार, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसमें थोड़ा अजीब सा लगेगा तुम्हें देखने के लिए। देखो अब तक एक बार तो हमने ये देखा ठीक है कि यहाँ एंगल बन रहा है, एक बार हमने ये देख लिया कि यहाँ एंगल बन रहा है ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इस तरीके से, एक बार देखना इसको। अब हमने आर्क कितनी बड़ी ली हुई है, यहां से लेके ये आर्क ली हुई है ठीक है। तो ये आर्क सेंटर पे जो भी एंगल बना रही होगी ठीक है, वो दुगना होगा किसका, जो भी वो रिमेनिंग पार्ट पे बनाएगी यहां पे। समझ में आया कुछ। मैं मान लेता हूँ, इसमें मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसमें बस हल्की सी चीज़ अलग है। देखो अगर मैं इसको ओ मानता हूँ, इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ ठीक है। तो आप अगर इसको बोलोगे, इस वाले एंगल को मानना ठीक है, इसको ओ, इसको ए और इसको बी, तो आप बोलोगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2x बोलोगे, हाँ या ना ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, सी मान लेता हूँ, और ए सी बी, एंगल ए सी बी इसका आधा हो जाएगा तो उसको आप x बोलोगे, क्लियर है। यहाँ पे देखना, यहाँ वाले केस में ये ए है, ये ओ है, बी है। अगर आप लिख रहे हो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, मैं इसको 2x मान ले रहा हूँ ठीक है, इसको x मान ले रहा हूँ, तो आप इसको ए ओ बी लिखोगे तो ये इसको डिनोट नहीं कर रहा होगा, किसको डिनोट कर रहा होगा, इसको डिनोट कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्स लिखना होता है, क्या लिखना होता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, तब ये इस वाले एंगल को दिखाएगा, तब आप लिख पाओगे ये 2x है और ये वाला एंगल ए, अगर मैं इसको सी मान लूँ, ए सी बी कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी एक्स हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। बस बताना ये था कि एक सेम आर्क सेंटर पे डबल एंगल बनाती है जिससे कि रिमेनिंग पार्ट पे जितना वो बना रही होती है। समझ में आया, ये इसका दुगना होगा हमेशा, ठीक है, ये याद रखोगे। चलो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम 5 है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। समझेंगे क्या है, देखो अगर मैं एक सेगमेंट किससे डिवाइड होते हैं, कॉर्ड से, मैंने एक कॉर्ड बना ली यहाँ पे ठीक है। अब इसके या तो इधर या इधर, सेम सेगमेंट, एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे।
अगर मैं इसको एक एंगल यहाँ ये बनाया मैंने, ये ठीक है, और एक मैंने बना दिया ये बना दिया, ठीक है, दो मैंने बनाए, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, और सिर्फ जरूरी नहीं सिर्फ दो ही हो, आप तीन बना सकते हो, ये और अगर ऐसे भी होंगे ये भी क्या होंगे, ये तीनों बराबर होंगे, समझ पा रहे हो। अच्छा इसका उल्टा भी ठीक है, हालांकि इसका उल्टा ही कहेंगे, इसको देखना एक बार, अगर कोई कॉर्ड है, ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होंगे, ऐसा मत कर देना कि ये ऐसे है तो एक बार ये हाँ बना दिया तो ये इसके इक्वल होगा, नहीं, सेम सेगमेंट में तो ऊपर वाली सेगमेंट में जितने भी एंगल होंगे सभी बराबर होंगे, क्लियर है। एक बार देखना इधर, अगर कोई कॉर्ड है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, लाइन है और इस तरीके से कुछ बनी हुई है और ये बोला गया है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये एक लाइन है, इस पे ऊपर दो एंगल बने हुए हैं और दोनों एंगल बराबर हैं, तो डेफिनेटली ये चारों पॉइंट किस में आ रहे होंगे, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिंग होंगे, कौन साइक्लिक समझते हो, मतलब ये सर्कल को टच कर रहे होंगे, ये सर्कल के अंदर होंगे, ये है सीन कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई लाइन है और इस तरीके से दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो किस में आएंगे, वो चारों पॉइंट सर्किल की बाउंड्री को टच करेंगे, ठीक है, ये इसका उल्टा है एक तरीके से, ठीक है, ये वाला समझ में आया। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं एक बार, देखना थ्योरम नंबर 6 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सबसे पहले वर्ड समझना है, साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक मतलब जिसके भी आगे क्वाड्रिलेटरल है कुछ भी हो साइक्लिक लग गया ना, उसका मतलब है उसके वो किस पे सर्किल पे आ रहा है, उसके सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स कौन से होते हैं जो सर्किल को टच कर रहे होते हैं, इतनी बात क्लियर है। इसमें जानने के लिए कुछ खास नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट क्या हो, कौन साइक्लिक हो, और जो बड़ी बात है जानने लायक वो ये है, इसके जो अपोजिट एंगल हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री, इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, इतनी बात क्लियर है। इसको देखते हैं, देयर इज अ यूनिक सर्किल पासिस थ्रू द थ्री नॉन कोलियर पॉइंट्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा बट फिर भी जानो, देखो जैसे अगर एक पॉइंट है ये, ठीक है, तो यहाँ से कितने सर्किल निकल सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे सर्किल निकल सकते हैं, समझ में आया, इन्फिनिट सर्किल निकल सकते हैं। अगर ऐसे कोई दो पॉइंट है, मान लेते हैं कोई भी दो पॉइंट बना दिया, यहाँ बना दिया, तो इससे भी बहुत सारे सर्किल निकल सकते हैं इन्फिनिट, ठीक है, आप इनको निकाल सकते हो, और भी कुछ सर्किल होंगे वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर थ्री नॉन कोलिनियर, अच्छा ये वर्ड बताना, नॉन कोलिनियर क्या होता है, किसी को पता है, नॉन कोलिनियर वो होता है जो लाइन पर नहीं आता, क्या बात, ये हो गया कोलिनियर, क्यों, क्योंकि एक लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग लाइन पर नहीं आने चाहिए, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल बन सकता है। अगर मैं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट बना रहा हूँ तो उनसे हमेशा क्या होगा, कुछ ज़्यादा तगड़ा सर्किल नहीं बन गया, पहले मैं सर्किल बना लेता हूँ उसके बाद पॉइंट लगा दूंगा, ये सर्किल है, ठीक है, इससे सिर्फ तीन ही पॉइंट्स गुजर सकते हैं, तीन पॉइंट्स अगर हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल गुजर सकता है, इससे ज़्यादा आप सर्किल इस पर नहीं बना सकते, समझ में आया, ठीक है। चलो ये अभी हमने क्लास 9th को रिकॉल किया था, जितने भी थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम मेनली क्लास 9th में ही है। अब हम जो पढ़ेंगे क्लास 10th में वो है टेंजेंट के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है उसको मैं बताऊंगा, उससे पहले एक दो चीज़ें देखो, टेंजेंट मतलब एक तरीके से मान लो है एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल और लाइन के बीच का संबंध, ठीक है, अगर ना जाए संबंध, इधर देखो ये सर्किल और ये लाइन, ठीक है। अच्छा एक बात होता, टच कर रही है क्या इसको, नहीं टच नहीं कर रही है, तो क्या, अच्छा दूसरी कंडीशन देखो, पहले एक ये सर्किल है और ये, ठीक है, ये दो जगह टच कर रही है, टच नहीं मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, और एक ये कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, सिर्फ इस पॉइंट से टच कर रही है और निकल रही है, ठीक है, ये तीन चीज़ें आप समझना, ये तो इसको टच नहीं कर रही है तो इसका इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है, इससे तो ये लाइन है और ये सर्किल है, हम ये कह सकते हैं। इसको समझो, ये क्या कर रही है, दो जगह इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, ऐसी लाइन दो जो जगह इंटरसेक्ट करते हुए निकले, उसको क्या बोल रहे होते हैं हम, उसको बोल रहे हैं सीकेंट, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम सीकेंट। अच्छा कई बार तुम्हारे दिमाग में आएगा, सीकेंट और कॉर्ड अलग अलग होते हैं क्या, हाँ देखो कॉर्ड जो होती है ना सिर्फ वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सर्किल को टच कर रही होती है, ठीक है, और जो सीकेंट होती है वो इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही होती है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या है, ये कॉर्ड है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी, एक लाइन और एक सर्किल को एक पॉइंट पर अगर टच कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं टेंजेंट, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, इसी के बारे में पूरा चैप्टर, इसी के बारे में हमें पढ़ना है मेनली, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं,
देखना भी थ्योरम एक टेंजेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सबसे पहले एक वर्ड है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया था जैसे कोई सर्कल है, यहीं पर समझा देता हूँ। ये सर्कल है ठीक है, टेंजेंट है ना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस है आपस में क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। क्या होंगे? परपेंडिकुलर, भाई यही थ्योरम है। क्या थ्योरम है एक बार फिर समझो, सर्किल है ये, टेंजेंट है, रेडियस जो होगा वो और टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इतनी बात क्लियर है, यही ये थ्योरम है। साथ के साथ एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ रह गई अभी, नोट करके एक बात लिख लेना। जैसे सर्किल है ठीक है, सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती हैं। इसकी क्या बात है समझो, एक बार मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट निकल रही है ठीक है, इसके पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक और टेंजेंट निकल सकती है, वो निकलेगी यहाँ पे। ये क्या हो गया भाई, एक बार दोबारा बनाता हूँ, रुको चुप, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट पॉसिबल हैं जो आपस में पैरेलल होंगी, ये और बात थी ठीक है। इसका भी यूज़ होता है बीच बीच में, ठीक है, इनको लिखो फटाफट से।